वेल अगर तुमने डेडपूल 3 का ट्रेलर देख लिया है तो ये बात तुम्हें पता होगी कि इस वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट हमने अभी तक जितनी बार भी वुल्वरीन को देखा है उसने अपने सैक्रिफाइस से किसी न किसी को बचाया है। मगर आने वाली डेडपूल मूवी में वुल्वरीन ने ऐसा क्या किया जो उसे इतना हेट मिल रहा है? और ऐसा लग रहा है कि लोगन ने इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं किया जो उसने अपने पिछले एक्समैन यूनिवर्स में किया था, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वुल्वरीन ने किया क्या, क्योंकि ये बहुत हैरानी की बात है कि कोई वुल्वरीन को बाहर से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि पिछली मूवीज में वुल्वरीन सबको गाली देकर बाहर से बाहर निकालता था। बट यहाँ पर वुल्वरीन को गाली देकर बाहर भगाया जा रहा है और वो रिस्पॉन्सिबल है अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस चीज को लेकर मेरे पास एक दो थ्योरीज है कि वुल्वरीन ने क्या क्या किया होगा, और इस चीज को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ये आती है कि उसने जीन ग्रे को नहीं मारा एक्समैन द लास्ट एंड मूवी में। तो एक्समैन द लास्ट एंड मूवी में जीन ग्रे डार्क फीनिक्स बन जाती है जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को डिसइंटीग्रेट कर देती है। बट वहाँ पर सिर्फ एक म्यूटेंट बचता है जो मर नहीं सकता, और वो है लोगन, जो अपने हर कदम को रिग्रेट के साथ आगे बढ़ाते हुए उसे मार देता है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और इस चीज का पछतावा लोगन को हमेशा रहता है। इवन 2013 की द वुल्वरीन मूवी में भी हम देखते हैं कि कैसे जीन ग्रे बार बार उसके सपनों में आ रही थी, क्योंकि उसे रिग्रेट था उसको मारने का। जो थ्योरी ये है कि व्हाट इफ डेडपूल और वुल्वरीन वाला लोगन जीन ग्रे के पास जाता और उसे जान से नहीं मारता, तो शायद जीन ग्रे उस जगह पर जितने भी म्यूटेंट्स थे, दुनिया में जितने भी लोग थे और जितने भी एक्समैन थे, उन सभी को जान से मार देती। और क्योंकि वो लोगन को नहीं मार सकती उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से, और लोगन उसे नहीं मार पाता, तो वो अपने सारे दोस्तों की मौत के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है। इसके बाद सेकंड थ्योरी ये आती है कि ये लोग ओल्ड मैन लोगन के यूनिवर्स की स्टोरी को पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कॉमिक्स में होता ये है कि एक दिन वुल्वरीन को ऐसा लगता है कि जितने भी विलन्स हैं वो एक्समैन मेंशन पर अटैक कर रहे हैं, और वो उनको रोकने के लिए सभी को एक एक करके जान से मारना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उन सबको जान से मारकर रुकता है तो उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जितने भी विलन्स को अभी अभी उसने मारा है वो एक्चुअली में सुपर विलन्स नहीं, बल्कि उसके खुद के दोस्त सारे के सारे एक्समैन हैं। मतलब कि सारे के सारे एक्समैन को उसने अभी थोड़ी देर पहले ही मार दिया था, और वो जो कुछ भी उसने किया वो इस वजह से करा क्योंकि वो सब कुछ मिस्टीरियो का एक इल्यूजन था, और इसी वजह से ओल्ड मैन लोगन का पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया था। तो शायद हो सकता है कि इस यूनिवर्स में वुल्वरीन ने भी ऐसा कुछ कर दिया हो और इसी वजह से उसके सारे के सारे एक्समैन दोस्त मारे गए हो और उनकी डेथ के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता हो। लेकिन खैर, इस चीज को लेकर तुम्हारे क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।